आज हम बनाने जा रहे हैं अष्टमी नवमी पे बनते हैं काले चने प्रसाद के लिए, माता के प्रसाद के लिए हम चने बनाते हैं। ये बहुत बनाना इजी है, ये आधा किलो चने हैं, आप जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से ले लीजिए। मैंने हाफ केजी लिया है और मैंने ये थोड़ा मोटे वाला लिया है, ये थोड़ा अच्छा लगता है खाने में और बनता भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसका बनाना चाहते हैं तो इसका, नहीं तो आप छोटे वाले भी लेंगे तब भी अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। मैंने थोड़ा मोटे वाला लिया आज, इसको मैंने होल नाइट वॉश करके डिप करके और पानी में रात भर छोड़ दिया था। अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। ये मैंने कुकर में ले लिया, अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। पानी अंदाज से आप डाल लीजिएगा आपकी, क्योंकि इसका जितना भी पानी एक्स्ट्रा भी होगा तो वो यूज हो जाता है, इसका पानी इसका वेस्ट नहीं जाता। इसको हम गैस पे चढ़ाते हैं, थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है, गैस जल गई। इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देते हैं। इस स्टेज पे आप ये देखिए 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, इसमें मैं पानी और डालती हूँ। मैंने डाला है करीब एक, वो जो होता है 1 इंच ऊपर मैंने पानी रखा है इसका, इतना मैंने इसके अंदर पानी डाला है। सॉल्ट डाल दिया, अब हम इसको बंद करते हैं और सीटी लगवा लेते हैं। 4 से 5 सीटी लगवाएंगे और 15 मिनट करीब सिम गैस पे रखेंगे। छोले हमारे तैयार हो चुके हैं कुकर में। आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ, आयरन की कढ़ाई में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं आयरन की, अगर नहीं भी हो तो सिंपल में बना लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छे बनेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आयरन की कढ़ाई का टेस्ट हम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं काले चने प्रेफर करती हूँ कि मैं आयरन की कढ़ाई में ही बनाऊँ। गैस ऑन कर दिया मैंने, ऑयल डालती हूँ, 4 टेबल स्पून डालूंगी, 4 टेबल स्पून ज्यादा नहीं डालना है, 4 टेबल स्पून डाला है ये मैंने। इसको मैं गरम कर दूंगी, गरम करने के लिए छोड़ दूंगी, अब इधर आ जाते हैं हम। अब देखिए इसका मसाला मैं एक कटोरी के अंदर, अलग बाउल के अंदर निकाल लूंगी। आधा किलो चने थे मेरे सब काले चने, ये देखिए 1 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून ये है कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। आप ध्यान से देखिएगा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे है मेरा बनाने का, ऐसे आप बनाएंगे तो, और जो ये प्रसाद में बनते भी ऐसे ही है और बहुत टेस्टी बनते हैं। हलवाई भी ऐसे ही बनाते हैं, जो हम माता रानी के जागरण वगैरह में हमें प्रसाद में मिलते हैं वो इसी तरीके के मिलते हैं। ये देखिए जीरा पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून अमचूर है, आप अगर अच्छा खट्टा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा भी दीजिए, 3/4 टेबल स्पून कर दीजिए। अगर हल्दी आप खाते हैं तो डालिएगा, अगर प्रसाद में हल्दी नहीं खाते तो आप हल्दी मत डालिएगा इस स्टेज पे। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, ये देखिए गरम मसाला कम ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। हमारा मसाला और रह गया सबसे जरूरी, नमक डालना है, टेस्ट अनुसार डालना है, पहले भी हमने बॉईल करते टाइम भी नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने अंदाजे से नमक अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इसमें आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, इसी स्टेज पे डाली थी, मैं आपको दिखाऊंगी अलग तरीके से डालते हुए। इसको आप थोड़ा सा पानी डालते हैं, अच्छे से घोल लेंगे, क्योंकि हम इसमें ना टमाटर ना मिर्च ना अदरक कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ मसाले से ही बनेगा। और देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है, प्रसाद में बनता ही ऐसे है, और इसको प्रसाद में नहीं, हम वैसे भी बना के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, आप दोबारा बना के जरूर खाएंगे। ये देखिए, मेरा मिक्स हो गया, अब हम इसको साइड उठा के रख देते हैं इस तरीके से, अब इसको साइड रख देते हैं। उधर घी गरम हो चुका है, एक टेबल स्पून
बड़ी वाली भर के मैंने इसमें जीरा डाल दिया। घी गरम अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा एक मिनट और रुक जाइए। थोड़ा सा डाल के पहले देखिए हो रहा है, थोड़ा सा क्योंकि आयरन की कढ़ाई थोड़ी मोटी होती है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है गर्म होने में। प्रसाद के लिए बना रही हूँ इसलिए हींग नहीं डाल रही, अगर वैसे नॉर्मली बनाए तो इस स्टेज पे आप थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिएगा, और चाहे तो मसालों में भी मिक्स करके डालेंगे, हींग तब भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये देखिए अब हम इसके अंदर धीरे से ये मसाला डाल देंगे। इस ऐसे मसाला डालने से क्या होता है, मसाला जलता नहीं है और हैंडल करने में भी दिक्कत नहीं आती और भून भी अच्छा जाता है। ये देखो मैं थोड़ा सा पानी और लगा लिया, तो बहुत ईजी नहीं है, मसाला भुन जाता है। सिम टू मीडियम गैस रखिएगा, तेज मत करिएगा। ये देखो इसको दो मिनट पका लीजिए मसाले को। मैंने हल्दी नहीं डाली है क्योंकि मैं बरसात के लिए बना रही हूँ तो मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं, जो लोग खाते हैं वो तो डाल सकते हैं। दो मिनट उबलने दीजिए, दो मिनट लेना, ज़्यादा नहीं लेना, चलाते रहिएगा, बीच बीच में छोड़िएगा मत, जलेगा नहीं क्योंकि इसको हमने इस तरीके से डाला कि ये जलेगा ही नहीं मसाला, डलिएगा मत बिल्कुल। इतना अच्छा भून के तैयार हो गया, पैन से अलग हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मेरी किचन के अंदर, मसाले भुनने की खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोई मसाला जला नहीं, कोई बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस तरीके से मसाला डालने से बहुत अच्छा भुन जाता है। ये देखिए इस तरीके से चने इसके अंदर डालते जाएंगे। इसको तड़का लगाने में करीब 20 मिनट मैंने इसको रिफाइंड ऑयल में बनाया। आप चाहे तो इसको देसी में भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा मुंह बनाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में बनाया, लेकिन ये प्रसाद में बनाते हैं तो वैसे देसी घी में बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। देसी गैस सिम ही रखिएगा, तेज मत करिएगा अभी। अभी ये पानी को फेंकना नहीं है, ये जो बॉयल करने के लिए हमने पानी रखा था इसको फेंकना नहीं है अभी। देखिएगा मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इसको पहले ऐसे करते हुए हिला लीजिए अच्छे से। यहाँ मैं एक सीक्रेट दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने मसाला मिला लिया है, अब मैं इस पानी को भी वेस्ट नहीं करूँगी, इस पानी को भी मैं, ये देखिए हाफ से ज़्यादा पानी मैं इसको यूज़ कर दूँगी इसी के अंदर। ये देखिए इस तरीके से करते हैं, ये देखिए हाफ से ज़्यादा मैं पानी इसका यूज़ कर दूँगी, और ये पानी वेस्ट मत करिएगा इसको, ये पीने में बहुत अच्छा होता है और बहुत आयरन होता है इस पानी के अंदर, आप इसको आराम से पी सकते हैं, बहुत टेस्ट लगता है इसको। और गैस को तेज कर दूंगी एक बॉयल आने के लिए इस तरीके। ये देखिए मैं तो सारा ही पलट देती हूँ कई बार जितना पानी होता है, क्योंकि जितना होगा ये बस चलाते रहिएगा, बीच बीच में छोड़िए, बिल्कुल रेगुलर मत छोड़ दीजिएगा, हर दो मिनट पाँच मिनट में चलाते हुए इतना पानी आप इसके अंदर डालिए, बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसको तेज गैस पे कर लिया, बॉयल आ गया, अब इसको मैं मीडियम पे रख देती हूँ और बीच बीच में चलाती रहूँगी। 10 मिनट बाद अब हम देखेंगे कि कितना सूखा है इसका पानी, तो ये पानी सूख जाएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, गैस हमने तेजी रखी थी क्योंकि पानी इसमें काफ़ी था, अब पानी देखिए इसका कम होने लग गया है, लेकिन अब थोड़ा सा बिल्कुल साथ में ही रहिएगा, अब इसे छोड़िएगा नहीं, पहले तो हम बीच बीच में हिला रहे थे, अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हिलाना पड़ेगा, अभी 10 मिनट और लग जाएंगे। देखिए मसाला कितना अच्छा इसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, 10 मिनट और लगेंगे। अगर आप इतना स्टेज पे आके अगर आप तेज गैस पे नहीं हैंडल कर सकते तो आप गैस को मीडियम भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। ये देखिए मीडियम गैस पे कर देती हूँ,
10 से 15 मिनट अभी और लगेंगे इसकी बनके तैयार होगी। ये देखिए 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ये देखिए मसाला कढ़ाई से, लेकिन अभी इस स्टेज पे बिल्कुल इसको छोड़िएगा मत, ये बनके हमारे तैयार है। ये देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको 2 मिनट पहले गैस बंद करेंगे, इसको भाप में छोड़ देंगे। इस स्टेज पे हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए घी बिल्कुल अलग हो चुका है, ये देखिए मसाला बिल्कुल कढ़ाई से हट चुका है। ये देखिए हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। पहले इसको 2 मिनट के लिए ठंडा छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए। देखिए बनके बिल्कुल तैयार हो गए, 2 मिनट हो गए मैंने ठंडे करने के लिए रखे थे। ये देखिए खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा, देखो मसाला कितना अच्छा लग गया। जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे मसाला और भी इसके साथ लगता जाएगा, जो भी हल्का सा पानी का ये आपको लग रहा है वो बिल्कुल हट जाएगा, वो बहुत टेस्टी लगे। ये देखिए अब हम इसको सर्व करते हैं। प्रसाद में ऐसे ही होते हैं, खाते हैं। आप इसमें चाहें तो आप इसको धनिया से गार्निश कर लीजिए। ये देखिए गार्निश कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें भी धनिया डाल दूंगी मैं। ये देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं प्रसाद के लिए हलवा, सूजी का हलवा। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा बनता है, मैं सीक्रेट उससे आपको दिखाऊंगी। ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा और दोबारा आप जरूर बना के खाएंगे। एक बाउल मैंने शुगर ले लिया है, एक बाउल ही देसी घी ले लिया, एक बाउल ही सूजी लिया है, नट्स काट के रख लिए मैंने, काजू एंड बादाम। ये मैंने एक सीक्रेट अपना लिया है, ये है आटा, जो हम आटा नॉर्मली यूज करते हैं, ये 2 टेबल स्पून मैंने इससे लिया है। मैंने एक बाउल सूजी लिया है तो मैंने इसको 2 टेबल स्पून ये वाली स्पून यूज करी है, आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास छोटी आप टेबल स्पून यूज कर रहे हैं तो आप 3-3.5 देख लीजिएगा, मैंने ये वाली टेबल स्पून यूज करी है। ये देखिए अब मैं चलते हैं हम बनाने के लिए कढ़ाई रख। ये देखिए इसमें देसी घी डाल देंगे। देखिए गरम हो गया, गैस को सिम ही रखिएगा, तेज मत करिएगा, गरम हो गया और ज्यादा गरम नहीं करना। इस तरह से फैलाते हुए हम इसमें सूजी डाल देंगे, मोटी वाली सूजी ले लीजिएगा, उसका अच्छा बनता है। अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल भी लेंगे तब भी बन जाएगा इसको इस तरीके से। अगर हमें लगेगा तो हम और घी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अभी मैंने बाउल 70% बाउल डाला इसके लिए। ये देखिए अब ये चलाते हुए हम इसको भूनते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं और सिम के ऊपर ही भूनेंगे, इस तरह से चलाते हुए हम भून लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए 10 से 15 मिनट करीब लगते हैं इसको सिम गैस पे। आप ऐसे भूनेगा आटा, मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पे ऐड करना है, कब भूनना है। अभी आप इस तरीके से करके सूजी को करीब 15 मिनट आप भूनिएगा सिम गैस के ऊपर, बिल्कुल सिम गैस रखनी है, गैस तेज नहीं करनी है। इस तरीके से हिलाते हुए इसको भून लीजिए। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, ये देखिए घी अब ये अलग होता जा रहा है, ये देखिए। लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी तो 5-6 मिनट ही होगा, करीब 15-20 मिनट लगते हैं सूजी को सिम गैस पे एक बाउल को भी भून लेंगे। जितना आप सिम पे भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। साथ साथ हम अब इसके लिए एक और काम करते हैं, ये मैंने पैन रख दिया, गैस जला देते हैं। हमने एक बाउल सूजी ली है तो अब हम 4 बाउल इसी से मेजर करके, ये देखिए मैं पानी बॉयल होने के लिए 4 बाउल में इसमें पानी डाल के बॉयल होने के लिए इसको पानी को रख देती हूँ। हलवा जल्दी और अच्छा बन जाता है और बहुत टेस्टी और दानेदार हलवा बनता है। 3 ये 4 बाउल, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ये इलायची पाउडर है ये आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर डाल दीजिए, चाहे आप हलवे में डायरेक्ट डाल दीजिए, डालना चाहते हैं तो डालिए, ऑप्शनल है, अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं इसको बॉइल में ही डाल देती हूँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इस जगह पे। बहुत थोड़ा सा मैंने बचा लिया, मैक्सिमम मैंने इसमें डाल दिया, 2-3 चुटकी मैंने उसके अंदर डाल दी। ये देखिए इस तरीके से
धीरे से साथ साथ इसको हिलाइए। ये देखिए अपने आप ही लूज होता जाएगा, ये आपको खुद पता लगेगा कि ये बन रहा है। बनाना घी अलग होने लग गया है, ये करीब 80% भून चुका है, अभी थोड़ा और भुनेगा। अभी इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये आटा इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए, इस तरीके से हम स्प्रिंकल करते हुए डाल देंगे और फिर हम फिर से हिलाएंगे। गैस से भी रखेंगे, गैस को बिल्कुल तेज नहीं रखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, बिल्कुल अब हिलाना छोड़ना नहीं है, बिल्कुल हिलाते रहिएगा। अभी देखिएगा घी अलग हो जाएगा, जैसे सूजी भून चुकी है, अब जो बची हुई सूजी थी अब वो अब इसके साथ भुनेगी। ये 2 से 3 मिनट में ही हो जाएगा, बस अब छोड़िएगा मत। ये देखिए अलग होने लग गया है, गैस को सिम से बिल्कुल तेज मत करिएगा। ये देखिए घी बिल्कुल अलग होने लगा है, ये देखिए अलग होने लग गया। बस ये भुनने के लिए रेडी, बिल्कुल भुन चुका है, रेडी होने वाला है, छोड़ना नहीं है इसे, उसमें बिल्कुल घी अलग हो जाएगा। 1-2 मिनट लगते हैं, पर बिल्कुल चलाते हुए ही इसका घी निकालना होगा अलग, तो छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा और एक साइड से भुनेगा नीचे की तरफ से, ऊपर से फिर कच्चा रह जाएगा, इसलिए चलाते हुए ही इसको घी अलग करना होता है। घी छूटने लग गया, धीरे धीरे बिल्कुल अलग होता जा रहा है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आटा जल्दी भुनता है इसलिए चलाते हुए भुनते ही, ये देखिए घी वैसे अलग है बिल्कुल। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर नट्स भी हम डाल देंगे, जो हमने काट के काजू और बादाम रखे हुए हैं। ये देखिए आप किशमिश अगर खाना पसंद करते हैं तो आप डाल दीजिए, थोड़े से मैंने गार्निश करने के लिए रख ली, बाकी मैंने इसके अंदर डाल दिए, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो, कई लोग प्रसाद में नट्स नहीं डालते तो नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डालना है तो इस स्टेज पे डालिएगा। ये थोड़े से भून जाते हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए देखिए 70% बाउल में ही बन गया, ये मेरा घी बचा हुआ, ये देखिए इतना मेरा बचा ही रह गया। अगर आपको लगे कि आपको कम लग रहा है तो आप ऐड करिएगा, नहीं मेरा इसी में ही बन गया, इतना मेरा बच गया इस बाउल के अंदर से। ये देखिए घी ये छोड़ ही रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी मेरी किचन में। ऐसे इस रेसिपी से आप बना के खाइएगा, आपसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा हलवा बनता है और आपसे सब पूछेंगे किस रेसिपी से आपने बनाया, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा आपको। ये देखिए ये देखिए घी आप देखिए बिल्कुल अलग हो गया, आप देख रहे हैं। अब हम इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जो पानी ये मैंने पानी जो बॉईल करके रखा है, इलायची भी देखिए कितनी अच्छी फूल गई है पानी के अंदर। अब इसको ऐसे धीरे से डालिएगा, छींटे ना आए, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, गिट्टियाँ भी नहीं बनेंगी और आपको हैंडल करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे आपसे धीरे 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 थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे। इसको हिलाते रहिए, मैंने पूरा इसके अंदर डाल, गैस को मीडियम करिएगा, तेज मत करिएगा, बस बॉयल दिलाने तक। वैसे बॉयल बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि गर्म ही होता है, पानी भी गर्म है ये सब। ये देखो बॉयल मीडियम करते ही मेरे गैस बॉयल आ गया, इसके अंदर वापस सिम कर दीजिएगा। ये देखिए और इसको चलाते रहिए, 2-3 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए बस 1-2 मिनट मैंने चलाया, हो गया। अब इसके अंदर हम 1 बाउल शुगर डाल रहे हैं हमने, ये देखिए तीनों चीज़ें हमने बिल्कुल बराबर बराबर उसमें ली थी, सूजी चीनी और घी। घी मेरा कम लगा है, सूजी और चीनी का बिल्कुल रेशो मैंने बराबर लिया था। इस तरह से चलाते हुए करीब 5 मिनट भून लीजिएगा। आप इस तरीके से बना के एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आप दोबारा इसी रेसिपी से बनाएंगे और आपसे सब पूछेंगे कि किस रेसिपी से आपने हलवा बनाया है। ये देखिए तैयार होने वाला। अब जो मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था, अब इस स्टेज पर डाल दूंगी, इलायची पाउडर की खुशबू अच्छी लगती है इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाला। वैसे तो पानी में ही जो डाल दिया था उसी में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। ये देखिए गैस को 1 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, 1-1.5 मिनट ही ढकना, ज़्यादा नहीं ढकना,
घी वैसे निकल चुका है पैन से हमारा, बिल्कुल अलग हो चुका है। मैंने थोड़ा कम ही घी यूज करा था तो उसी के हिसाब से, लेकिन बना बहुत टेस्टी है। घी भी निकल ही रहा है, अलग हो रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। एक मिनट हो चुका है, ये देखिए, देखिए पैन से घी बिल्कुल अलग हो गया, घी भी छोड़ दिया है। ये देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी ही बना है, आप जरूर से ट्राई करिए प्लीज इसे। हम इसको सर्व करते हैं, बहुत टेस्टी बना, जितना दिखने में अच्छा लग रहा है टेम्पटिंग, उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी से आप बना के ट्राई करिएगा। ये देखिए इसको हम नट से गार्निश कर देंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी बना है खाने में। ऐसे आप हम बना रहे हैं इंस्टेंट पूरी, सूजी से बना रही हूँ, कुछ डिफरेंट है। ये देखिए एक बाउल मैंने ले लिया, इसको हम पीस लेंगे, दो बाउल हम ले लेते हैं। ये देखिए एक बाउल ले लिया, ये मैं दूसरा बाउल ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल आटा, चाहे बारीक सूजी हो चाहे मोटी सूजी हो, दोनों में से जो भी सूजी हो इसको आप पीस के आटा बना लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ, थोड़ी सी शुगर डाल लेंगे 3/4 टेबल स्पून। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम चाहे तो घी चाहे तो हम रिफाइंड ऑयल कुछ भी हम डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून हम भर के इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से करते हुए हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिएगा इसका जो है इतना मिक्स अच्छे से कर लेना है कि इस तरह से मुट्ठी बनने लग जाए, रफली मुट्ठी बनने लग जाए, पूरी ना बने लेकिन हम मिक्स अच्छे से हो जाए इस तरह से। इस तोड़ते ही टूटेगी ये, इस तरीके से करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा लुकवॉर्म वाटर से इसका डो रेडी कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा रोटी से ये पतला डो रेडी होगा, रोटी जितना फाइन नहीं होगा, क्योंकि सूजी जो है फूलती है जब हम इसको साइड पे उठा के रखेंगे तो ये थोड़ा सा फूलेगी। इस तरीके से करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। डो रेडी हो गया, थोड़ा सा लूज गूंदिएगा इसको। ये देखिए इस तरीके से करते हुए हम इसको 20 मिनट के लिए साइड पे उठा के रख देंगे, फिर हम आगे के प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। आटा तैयार हो चुका है, ये देखिए इस पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसको एक बार लोच ओढ़ दे लेते हैं अच्छे से, मुट्ठियां डाल के लोच दे लेंगे। तो हो गया, अब इसके हम छोटी छोटी पूरी जितनी लोइयां तोड़ लेंगे। साथ साथ मैं पेड़ियां बना रही हूँ। इधर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, जितना ऑयल गरम होएगा इतने मेरी पेड़ियां बन जाएंगी। ये देखिए पूरी जितनी शेप की मैं पेड़ियां बना रही हूँ। ये पेड़ियां रेडी हो गई हैं, ऑयल भी चेक कर लेते हैं, ऑयल भी गरम हो गया है। अब हम काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से करते हुए बेलन की हेल्प से गैस को मीडियम कर देंगे। थोड़ी सी पूरी को थोड़ी सी बड़ी बेलेंगे क्योंकि सूजी है, सूजी थोड़ा सा सुकुड़ती है, इसलिए आप इसको ऐसे करते हुए हम ऑयल के अंदर डालेंगे। और ऑयल थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए, गर्म करके उसको फिर हम गैस को मीडियम कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फूली हुई पूरी बन रही है। इस तरीके से करते हुए हम इसको सेक लेंगे और उतार लेते हैं, और भी दिखाती हूँ मैं आपको बना के। इस तरीके से करते हुए हम इसको बेलेंगे, थोड़ा बड़ा बेलेंगे क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये थोड़ी सी डालते टाइम ऑयल में ये सिकुड़ जाती है। ये देखिए आप इसको छोड़ेंगे अपना ऊपर आएगी। इस तरीके से करते हुए हम सारी रेडी कर लेते हैं, इसको भी उतार लेते हैं। इस तरीके से करते हुए हम सारी रेडी कर लेंगे। ये देखिए देखिए सूजी की पूड़ी रेडी है, कितनी फूली फूली बनी है, देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में बहुत टेस्टी है। इसको देखिए खस्ता और एकदम बहुत अच्छी बनी हुई है। इस रेसिपी से एक बार आप बना के जरूर ट्राई करिएगा। मैंने पिकल और आलू की सब्जी के साथ
सर्व किया है। आप चाहे तो पिकल के साथ, अचार के साथ भी खा सकते हैं, आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, छोले के साथ भी खा सकते हैं और सूखे आलू के साथ भी। सबके साथ बहुत अच्छी लगेगी। आप इस रेसिपी से बना के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत। आई होप आपको मेरी वीडियो और डिश दोनों पसंद आई होंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।